नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी कभी हकीकत कल्पना से ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है। केंटकी का यह मामला ऐसी ही एक चौंकाने वाली हकीकत है, जहां एक शख्स को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और फिर अचानक वो उठ बैठा जब डॉक्टर उसके अंग निकालने की तैयारी कर रहे थे। ये कहानी सिस्टम की ऐसी चूक दिखाती है जो रूह कंपा देती है। अमेरिका के केंटकी राज्य में रहने वाले एंथनी थॉमस टीजे हुवर टू को अक्टूबर 2021 में एक ड्रग ओवरडोज के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। इस समय टीजे की हालत गंभीर थी और डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। अब उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। उसकी बहन डोना रोहरर और परिवार ने डॉक्टरों की राय के बाद टीजे का लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला किया। भारी मन से यह फैसला लिया गया ताकि टीजे को और तकलीफ ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल के स्टाफ ने टीजे के परिवार को बताया कि टीजे ने अपने अंगदान के लिए सहमति दी थी। ये जानकर परिवार ने उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए अंगदान की मंजूरी दे दी। अंगदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अस्पताल ने टीजे को सम्मानित भी किया और वहां एक छोटा सा समारोह भी हुआ। अब जब टीजे के अंगों की टेस्टिंग की जा रही थी, तभी उसकी बहन डोना ने देखा कि टीजे की आंखें खुली हुई थी और वो अपने आसपास की चीजों को देख रहा था, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने इसे सिर्फ एक रिफ्लेक्स कहकर नजरअंदाज कर दिया। डोना को बताया गया कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सवाल था कि क्या ये सामान्य था? ऑपरेशन थिएटर में जब टीजे के अंगों को निकालने की तैयारी चल रही थी, तभी एक डॉक्टर बाहर आया और परिवार से कहा कि टीजे अभी तैयार नहीं है। असल में टीजे उठ चुका था और अंगदान की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। इसके बाद टीजे को घर ले जाने के निर्देश दिए गए और परिवार से कहा गया कि उसकी देखभाल करें, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स का मानना था कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा और पिछले 3 साल से उसकी बहन डोना उसकी देखभाल कर रही हैं, क्योंकि टीजे को अब चलने, बात करने और याद रखने में काफी कठिनाई होती है। जनवरी 2024 में टीजे की बहन डोना को एक पत्र मिला, जिसमें कोडा यानी केंटकी ऑर्गन डोनर एफिलिएट्स के एक पूर्व कर्मचारी ने टीजे की सर्जरी के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया। इस पत्र में लिखा था कि टीजे ऑपरेशन टेबल पर थ्रेशिंग यानी हिल डुल रहा था और रो रहा था। इस घटना के बाद मामला गर्मा गया है और केंटकी के अटॉर्नी जनरल और फेडरल एजेंसियों ने इस पर जांच शुरू कर दी है। वहीं कोटा और अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा कि उनकी ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया सुरक्षित है और यह मामला सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया है। कोटा ने कहा कि उनका संगठन कभी भी किसी जिंदा मरीज के अंग नहीं निकालता है, लेकिन टीजे की बहन डोना कहती हैं कि उन्हें यह मामला सार्वजनिक करना ही पड़ा ताकि ऐसी घटनाएं फिर किसी और के साथ ना हो। यह किसी भी परिवार के लिए बेहद दुखदायी स्थिति है। डोना का मानना है कि उनका संघर्ष ऐसा ही है जैसे गगनचुंबी दीवार के खिलाफ एक पत्थर फेंकना। डोना को भी लगा कि मेडिकल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना उसी दीवार के खिलाफ पत्थर फेंकने जैसा है, लेकिन उन्हें अपनी लड़ाई पर यकीन था। अब देखना यह है कि क्या इस जांच के बाद ऑर्गन डोनेशन सिस्टम में कोई सुधार होता है या नहीं। टीजे हुवर के इस मामले ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं ये मेडिकल सिस्टम की कोई बड़ी चूक तो नहीं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।